अभी आज सुबह कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान सी में था उसका प्रभाव में लो प्रेशर एरिया सुबह फॉर्मेशन हुआ है। इसका लोकेशन नॉर्थ अंडमान सी एडजॉइनिंग साउथ अंडमान एंड साउथ ईस्ट बे पर है। तो इसका मूवमेंट इनिशियली अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और जैसा पहले से हम लोग बोला था वैसा 22 में डिप्रेशन में रूप लेने का चांसेस है। 22 में डिप्रेशन जब होगा उसका लोकेशंस ईस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर रहेगा। फिर इसका 23 में डीप डिप्रेशन होगा और 24 का अराउंड साइक्लोनिक स्टॉर्म वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका जो मूवमेंट होगा उसका मूवमेंट हो करके हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का पास पहुँचने का चांसेस है 25 का आसपास। हमारा उड़ीसा का कोस्ट का पास एरिया से जाएगा सी एरिया से, बट इसमें हमारा मेन इसका जो इम्पैक्ट है अभी फोरकास्ट है इसके लिए कल से हम लोग जैसा बोला फिशरमैन को 23 से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है, 22 से डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा वार्निंग फिशरमैन के लिए। और अभी हमारा जो वार्निंग है रेनफॉल का ही है। रेनफॉल मेनली इस सिस्टम का रिगार्डिंग 24 से मीन्स 24 अर्ली आवर्स हमारा डे फोर में 23 8:30 टू 24 8:30 होता है, तो उसमें हमारा 24 डेट में जो है उसमें रेनफॉल शुरू होने का कमेंस होने का संभावना है। तो इसका 24 जो है हमारा हैवी रेनफॉल अर्ली आवर्स में एक दो जगह में होने का चांसेस है, मेनली पूरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्स में। कोस्टल उड़ीसा में कुछ मोस्ट हमारा कोस्टल उड़ीसा में रेनफॉल रहेगा स्कैटर्ड वे में और इंटीरियर में कुछ डिस्ट्रिक्स में एक दो जगह में रहेगा, बाकी में ताई रहेगा। फिर 24th एंड 25th जो है 24th मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक जो है हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें मेनली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग जो है जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर, और हैवी रेनफॉल का चांसेस है मयूरभंज जाजपुर कटक खुर्दा पुरी मीन्स एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्स है इसमें। और बाकी एरिया में कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। इंटर उड़ीसा का केवंझर मयूरभंज धेमकेना लेसम डिस्ट्रिक्स में मेनी प्लेसेस में, बाकी डिस्ट्रिक्स में एक दो जगह में क्लाउडीनेस रहेगा बट रेनफॉल एक दो जगह में ही होने का चांसेस है। मेनली हमारा जो अभी जो अपडेट है इसमें रेनफॉल का ही लैंड एरिया में रेनफॉल का ही वार्निंग है और फिशरमैन के लिए हमारा वार्निंग है। ये है सिस्टम का अपडेट। और आज हमारा साउथ ईस्ट मानसून भी विथड्रॉल हुआ है। आज साउथ ईस्ट मानसून नॉर्थ उड़ीसा का सभी जगह से विथड्रॉल डिक्लेयर किया है। साउथ उड़ीसा का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसा साउथ उड़ीसा का हमारा बोध बोलांगीर सोनपुर नयागढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो गया है। और पार्ट्स का पूरी खुर्दा गंजाम कंधमाल कालाहंडी नोआपारा ये सब डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट्स में हुआ है। तो हमारा पूरी से छत्तीसगढ़ का कांकेर का एक स्टेशन है, ये जो लाइन ड्रॉ करने से उसका साउथ का पोर्शन अभी बाकी है, नॉर्थ का पोर्शन विथड्रॉल हो गया है। ये है हमारा साउथ ईस्ट मानसून विथड्रॉल का, और अगला दो दिन में पूरा उड़ीसा का होने का चांसेस है। यही है अभी हमारा अपडेट। फिर अपडेट हम नेक्स्ट कल देंगे।